आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोण मिति, जिसको हम कहते हैं त्रिकोण मिति कहते हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अगर हम देखेंगे नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं। तो अपने अगर कॉपी पेन निकाल कर रेडी हो जाए तो उसे बहुत अच्छा होगा। तो चलो हम देखते हुए हम त्रिकोण मिति जिसको हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रि माने होती है तीन, गौण गौण मिति क्या होती है भुजाएं होती है, जिसकी तीन भुजाएं होती है उसे हम त्रिकोण मिति कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट जैसे हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, जैसे इसको हम बेस बोलते हैं जिसे हम हिंदी में आधार कहते हैं, और ये ऊंचाई होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये हमारा है ऊंचाई जिसको हम हाइट बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे हम एंगल रख लेते हैं, इसके अंदर ए रख लेते हैं हम, यहाँ ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट हो जाएगा भाई। त्रिकोण मिति, त्रि माने होती है तीन और कोण, जिसके अंदर तीन कोण होते हैं। तो जैसे इसके अंदर ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, इसके अंदर ये अगर ये निशान जहां कहीं भी होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये निशान होता है तो वह हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब जैसे इसके अंदर हम इसके अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को जैसे हम लिखते हैं पहले, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जब तक हम देखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, जैसे हमें जैसे इसके अंदर क्या है, अगर हमें आधार निकालना होता है, जैसे हमें इसके अंदर आधार निकालना होता है, तो जैसे हम फॉर्मूले इसके अंदर पहले हम रखते हैं, इसके अंदर अगर हमें इसके अंदर आधार निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं आधार, अगर हमें आधार निकालना होता है तो चलो हम हाइपोटेन्यूज आधार सॉरी चलो ठीक है इसे निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारा जैसे इसके अंदर कर्ण होता है, तो कर्ण के टू माइनस ऊंचाई के टू, मतलब जितनी होती है, मतलब आधार में से अगर हमें आधार इसका निकालना होता है तो कर्ण की पावर टू में से हम ऊंचाई की पावर टू घटा देते हैं, तो हमारे पास आधार की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमें अगर ऊंचाई निकालनी होती है, ऊंचाई निकालनी होती है तो इसमें क्या करेंगे हम, कर्ण की टू माइनस कर्ण की टू माइनस आधार की टू। तो हम ये जैसे अब हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर इसके अंदर हम पुट करके दिखाते हैं भाई, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, अगर ये फॉर्मूले अगर बच्चे के याद है तो इस सम को के लिए वो आसानी से निकाल सकता है या सोल्व कर सकता है। तो प्लीज अगर आप कॉपी पेन निकाल कर कुछ करते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी, या उसे आप जल्दी से प्रैक्टिस करके उसको हम सीख सकते हैं। तो इससे आगे हमारा है, जैसे हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण की टू आधार की टू माइनस क्या रख देते सॉरी प्लस क्या रख देते हैं हम ऊंचाई की टू, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर कर देते हैं हम। जैसे इसके अंदर क्या करते हैं भाई, हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर अगर हमें इसके अंदर आधार की वैल्यू निकालनी होती है तो हम कर्ण की टू माइनस ऊंचाई की टू पावर कर देते हैं, इसके अंदर अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो कर्ण की टू पावर मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनस आधार की टू, इसके सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसके अंदर अगर हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी होती है, कर्ण की वैल्यू निकालनी होती है तो आधार की टू पावर प्लस ऊंचाई की, मतलब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इसके अंदर बुझाए कुछ भी अगर हम बुझाए इसके अंदर मान लेते हैं, तो हम जैसे इसके अंदर बुझाए लेते हैं, जैसे हम यहाँ 8 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, 6 मीटर ले लेते हैं या हम 8 मीटर ले लेते हैं, 8 मीटर ले लेते हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हमें जैसे हमें कर्ण की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है तो कर्ण की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे हम क्योंकि ये दोनों बुझाएं दे रखी हैं, ये दोनों जो बुझाएं होती हैं ये वाली और जिसको हम आधार और ऊंचाई बोलते हैं वो कर्ण के इज इक्वल टू होती है, वो कर्ण के इज इक्वल टू होती है। तो इसीलिए हम जैसे इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे हम कर्ण की टू, क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर कर्ण की टू पहला इज इक्वल टू आधार की टू, आधार की टू क्यों कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर हमारा,
हमारा क्योंकि इसके अंदर ये लगेगा, क्योंकि हमें इसमें कर्ण की वैल्यू, हमें इसके अंदर कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे हम इसके अंदर। प्लस क्या करेंगे हम इसके अंदर, ऊंचाई की 2 लगा देते हैं हम इसके अंदर। अब जैसे हमें इसके अंदर हम एसी भी मान लेते हैं, क्योंकि कर्ण की, जैसे कर्ण की भुजा कौन सी हमारी, एसी है हमारी, और आधार की क्या है हमारी, बीसी है, और ऊंचाई की क्या, ए बी है, और ऊंचाई की हमारी है ए बी, सॉरी बीसी है, इसको हम एसी, ये हमारी ए बी और ये हमारी है बीसी। या तो हम इसके अंदर जैसे कर्ण की हम कर्ण भी रख सकते हैं, और या फिर हम इसके अंदर एसी पुट कर सकते हैं। तो हम जैसे इसके अंदर एसी रखते हैं, या एसी रख लेते हैं, एसी की 2 इज इक्वल टू आधार की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो 6 की 2 कर देते हैं हम, और प्लस 8 की 2 कर देते हैं हम। अब एसी का स्क्वायर 6×6 36 और 8×8 64, एसी स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। अब हमें यहां इसके पास इसकी पावर है, इसके पास ये इसकी पावर है, सॉरी यहां दिखाई नहीं देता तो हम यहां कर देते हैं भाई। अब इसके अंदर हम जैसे कैसे करते हैं, हम यहाँ एसी का स्क्वायर और 6×6 36 प्लस 8×8 64 कर देते हैं हम इसके अंदर। अब जैसे हम एसी का स्क्वायर और 36 और 64 कितने हो जाएंगे हमारे पास 100 हो जाएंगे, और हम इसका रूट निकाल देंगे, क्योंकि इसका अंदर ये क्या लगी हुई, इसकी पावर लगी हुई है, तो इसीलिए हम इसकी पावर को निकाल देते हैं, या फिर इसके हम ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, जिसको हम डिवीजन मेथड से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे अगर टुकड़े करते हैं तो 50 × 100 और 25 × 50 और 5×5 25 और 5×5, तो इसके अंदर से ये यूनिट बन जाएगी, इसके अंदर ये बन जाएगी, तो 5×10 मीटर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी कर्ण के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, अगर ये हमारे पास ये हमारी 10 मीटर हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे हम सेकंड फॉर्मूला रख के देखते हैं इसके अंदर हम। अब जैसे हमने इसके अंदर कर्ण तो रखा भाई, कर्ण निकाला, तो ये दोनों के इन दोनों को हमने प्लस कर दिया था। तो अब हम इससे आगे वाली भुजा निकाल के देखते हैं, इससे आगे वाले जैसे हमें आधार की वैल्यू निकालनी होती है, आधार की टू इज इक्वल टू कर्ण की 2 माइनस ऊंचाई की पावर। अब जैसे हमारे पास आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे हम इसके अंदर यहां रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं हम इसके अंदर। अब इसके अंदर हम जैसे यहां 5 रख लेते हैं, यहां 2 रख लेते हैं 2 मीटर, यहां कितनी हो जाएगी 3 मीटर, सॉरी ये तो हमें इसके अंदर आधार तो इसके अंदर हमें निकालना है, तो इसके अंदर ये रख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी हमारी 5, कर्ण की वैल्यू कितनी हमारी 5 रख लेते हैं, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी रख लेते हैं 3 रख लेते हैं ऊंचाई की वैल्यू। अब इसके अंदर आधार की पावर 5×5 25 और 3×3 9 हो जाएगा। अब इसके अंदर यहां रख लेते हैं हम आधार की 2 इज इक्वल टू 25 में से हम 9 को घटा देते हैं 25 में से 9 16। अब इसका रूट काट दे निकाल देते हैं हम, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 मीटर आ जाएगी हमारी। तो आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4 मीटर, क्योंकि इसके अंदर यहाँ कुछ भी बुझाई दे सकता है, तो इसके अंदर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, अगर हमें आधार निकालना है तो कर्ण की 2 माइनस ऊंचाई घटाएंगे इसके अंदर से हम, अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो कर्ण में से आधार घटाएंगे। अगर हमें कर्ण निकालना है तो आधार की 2 प्लस ऊंचाई की हम इन दोनों भुजाओं को ऐड करेंगे। इसके बाद हम तीसरी, जैसे हम निकालते हैं तो हमारे पास जैसे हमें हम ऊंचाई निकालनी होती है और कर्ण की 2 माइनस आधार की 2। अब इसके अंदर हम यहां कुछ भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर
इसकी कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी होती है, ऊंचाई निकालनी होती है। अब जैसे हम इसके अंदर यहाँ इसकी 10 रख लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ 7 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, या 6 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख लेते हैं। अब इसके बाद जैसे हमारे पास हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई की पावर लगा देते हैं हम। कर्ण की वैल्यू कितनी हमारी, कर्ण की वैल्यू हमारे पास है 10 और माइनस आधार की वैल्यू कितनी हमारी 6। अब ऊंचाई की पावर 10 घन कितना हो जाएगा 100 माइनस छिकू छिकू 36 हो जाएंगे, छिकू छिकू 36 हो जाएंगे। उसके बाद हम यहां रख लेते हैं ऊंचाई की पावर 2 और 100 में से हम 36 घटा देते हैं, ऊंचाई की पावर कितना बचेगा 64। 64 का रूट काटे कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी यहाँ पावर लगी हुई है तो 64 का अगर हम रूट निकालते हैं तो ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 8 × 8 = 64, 8 मीटर हमारी आ जाएगी। तो ये हमारी 8 मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, हम ये बुझाएं कुछ भी लेकर हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज ये हमारी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ये हमारा था फॉर्मूला था हमारा त्रिकोणमित्री, जिसको हम कहते हैं त्रि माने 3 होती हैं, कोण माने जिसके अंदर 3 कोण होते हैं, और मित्री माने होती है भुजाएं, भाई जिसकी 3 भुजाएं होती है भाई, इसको बोलते हैं हम आधार ऊंचाई और इसको बोलते हैं हम अगर कर्ण। ये हमने फॉर्मूले रखे थे, अगर हमें आधार निकालना ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसके अंदर हम, और अगर हम ऊंचाई निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम कण की वैल्यू निकालते हैं तो इसके अंदर ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू, आने वाली वीडियो में मिलते हैं।